हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। तो अभी हम अपने सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 8 में आ गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सर्वर रोल्स एंड फीचर हैं, कौन कौन से जो रोल्स एंड फीचर हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि SCCM सर्वर पर लॉग ऑन करना है। जैसे हम सर्वर पे लॉग ऑन कर लेंगे, हम ये स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे कि हमें कौन कौन से स्टेप और फीचर इंस्टॉल करने हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सर्वर पे जाते हैं। SCCM सर्वर पे आ गया हूँ मैं। तो गाइज, मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग ऑन किया हुआ है, वो भी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से। आप ये रोल जो इंस्टॉलेशन करना है, ये चाहे आप लोकल यूज़र से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सर्वर मैनेजर ओपन करना है। जैसे आप सर्वर मैनेजर को ओपन करोगे तो आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। तो ये बिफोर यू बिगिन पेज है, तो यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉलेशन टाइप पूछ रहा है कि हमें रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी है या रिमोट सर्विस इंस्टॉलेशन। तो राइट नाउ हमें रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी है, तो क्लिक नेक्स्ट करना है। तो यहाँ से ये, अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर है तो आपको डेस्टिनेशन ऑफ सर्वर चूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी ये जो रोल है वो मैं अपने SCCM सर्वर पे डालूँगा और उसका IP ये है, वर्जन ये है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से जो जो रोल्स हैं, जो अवेलेबल रोल है सर्वर के लिए, वो ये हैं। तो अभी मैं देखता हूँ हमने सबसे पहले क्या करना है। मैनेज रोल पे करके नेक्स्ट कर दिया। अभी हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, IAS वेब IAS सर्वर रोल को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे। तो ये एक ऐड फीचर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर IAS सर्वर, तो मैं ऐड फीचर पे क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये और ऑप्शंस आती हैं। तो अभी हमें सबसे पहले कौन सी फीचर लेनी है कि मैं अभी स्लाइड से बता देता हूँ आपको, ताकि आपको इजी रहे। .NET 3.5 फीचर इंक्लूडिंग सब फीचर। तो .NET के जो 3.5 है इसको हम पहले एक्सपेंड करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, ये HTTP एक्टिवेशन ऐड फीचर और नॉन HTTP एक्टिवेशन ये भी मैं ऐड करूँगा। उसके बाद मेरे को ये एक्सपेंड करना है। तो इसमें मेरे को ये देखो, इसमें मैंने लिखा है कि .NET 4.6 फीचर इंक्लूडिंग सब फीचर, और एक्सपेंड करना है हमने WCF सर्विस को, और उसके भी सब फीचर सारे ऐड करने हैं। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो इसके मैं सारे ही फीचर एक्सेस इंस्टॉल करूँगा। HTTP एक्टिवेशन, मैसेज और एक्टिवेशन, और नेम पाइप एक्टिवेशन, और TCP एक्टिवेशन। तो मैं सारे पे ऐड क्लिक करके ऐड फीचर करूँगा, जो जो रिक्वायर्ड होगा वो मैं सारे सिलेक्ट करके ओके करूँगा। फिर नेक्स्ट में हमें बिट्स चाहिए। तो ये बिट्स क्या है, बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र है, ये इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र है, ये इसको लेना है, और इसके सब फोल्डर जितने भी हैं, सब फीचर, वो सारे लेने हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ऐड फीचर्स पे क्लिक करता हूँ, और मैं कॉम्पैक्ट सर्वर पे भी क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके मुझे रिमोट डिफरेंशियल कंप्रेशन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से नीचे आऊँगा, तो यहाँ पे मुझे रिमोट डिफरेंशियल एंड कंप्रेशन पे इस पर क्लिक करूँगा, और मुझे सिंपली क्लिक नेक्स्ट करना है। और उसके बाद फिर मेरे को एक बार नेक्स्ट करना है, जैसे मैंने इस स्लाइड में दिया हुआ है, नेक्स्ट करना है। अब मैं अपना दूसरा खोल देता हूँ, 8.1 पे आ गया हम। अब फिर मैं इस पर नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे अब सिक्योरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ और फीचर सेलेक्ट करने हैं, जो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले मुझे सिक्योरिटी में जाके रिक्वेस्ट फिल्टरिंग एंड विंडो ऑथेंटिकेशन लेना है, सॉरी। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी देखना है कहाँ पे है। ये रहा, सिक्योरिटी फिल्टरिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, तो मुझे विंडोज ऑथेंटिकेशन लेना है। और साथ में मेरे को क्या लेना है, उसके बाद मेरे को मैनेजमेंट टूल में जाके एक्सपेंड करना है, मैनेजमेंट टूल लेना है, और एक्सपेंड IAS 6 करना है, सॉरी। इसके बाद मेरे को एक्सपेंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेलेक्ट 3.5, तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट को एक्सपेंड करूंगा। तो यहाँ से मैं ASP.NET 3.5 लूंगा, और यहाँ से मैं इसको नीचे करता हूँ।
इसको बिल्कुल ध्यान से करना, आपने कोई भी मिस नहीं करना, ठीक है? तो मैनेजमेंट टूल में जाके हमने क्या करना है, IS6 मैनेजमेंट एंड ऑल सब फीचर करना है। अब दोबारा से देख लेते हैं, मैनेजमेंट टूल में जाना है, एक्सपेंड IS6 करना है, मैनेजमेंट टूल में जाना है, एक्सपेंड IS6 करना है, और इसके सब फीचर सारे इंस्टॉल करना है हमने ये। तो इंस्टॉल, और ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना हमने, IS मेन स्क्रिप्ट एंड टूल लेना है मेरे को। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा IS मैनेजमेंट और स्क्रिप्ट एंड टूल। तो गाइज अभी इसको मुझे यहाँ ये क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब ये क्या कह रहा है, डू यू नीड टू स्पेसिफाई अल्टरनेट सोर्स पाथ, वन और मोर इंस्टॉलेशन सिलेक्शन आर मिसिंग सोर्स फाइल डेस्टिनेशन सर्वर, द सर्वर विल ट्राई टू गेट मिसिंग सोर्स फाइल फ्रॉम विंडोज अपडेट और लोकल पाथ दैट यू स्पेसिफाई। तो ये एक मुझे ओवरव्यू दे रहा है कि मैंने क्या क्या फीचर और रोल्स इंस्टॉल करने हैं इसमें। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड में दिखाता हूँ। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अगर आप फिजिकल सर्वर पे कर रहे हो तो आपको DVD इंसर्ट करना है सर्वर 2016 का, अगर आप वर्चुअल पो तो ISO करना है उसी सर्वर पे। तो मैं इस पे ऑलरेडी ISO माउंट करवाई हुई है मैंने, मैं देखता हूँ अगर नहीं है तो मैं करवा लेता हूँ। हाँ मेरे ऑलरेडी है ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन पे जाता हूँ। इसके बाद मुझे सोर्स पे क्लिक करना है, ओपन पे जाना है, और मुझे SXS पे क्लिक करना है, और मुझे यहाँ से सिंपली ये पाथ कॉपी करना है। मैंने ये पाथ कॉपी किया है और यहाँ पे मैंने करना है स्पेसिफाई एन अल्टरनेट सोर्स पाथ। तो यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पाथ में मैं ये सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा। मैं ओके करूँगा, और ओके करने के बाद मैंने क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो यही जो रोल एंड फीचर हैं जो बहुत केयरफुली आपको इंस्टॉल करने हैं, और अभी मुझे इंस्टॉल करना है। तो इस इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमने बहुत सारे फीचर्स और रोल ऐड किए हैं। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करके वीडियो को पॉज करूंगा, जैसे ही ये फिनिश होता है मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया हमारी इस पे सर्वर पे। अगर आप चाहो तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, और ये मेरा रोल एंड फीचर इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ से हम अगर इसको एडिट करते हैं तो आप इसको देखिए हमने क्या क्या सिलेक्ट किया था, वो सारे XML है ये। अगर आप चाहो तो इसको आप दोबारा से इस फाइल को आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट अपने डिप्लॉयमेंट के लिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।